नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि श्रीनगर से डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भाषण दिया, संबोधन किया, जिसमें उन्होंने अदालत के कई मुद्दों को लेकर बातें की। उन्होंने अदालत में लेकर, कोर्ट फैसलों को लेकर और वकीलों को लेकर जो भी मुश्किलें हैं उन पर बातें कही, उन पर सॉल्यूशंस लाने को रखने को बातें कही और कहा कि हमारी न्यायपालिका को और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने समय समय पर आती रहती है, जिससे छोटे छोटे जो मामले होते हैं उन पर ज़्यादा लंबा समय चला जाता है, वो लंबा खिंच जाता है कोर्ट में जो प्रोसेस होता है उसको लेकर, और बाकी जो छोटे अपराधी होते हैं उनको कई बार जो है बड़ी सजाएँ हो जाती हैं, और जो कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो जिन्होंने अपराध किया होता है लेकिन वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान वो बाहर खुले में घूमते हैं और उनको कोई सजा नहीं मिल पाती है। तो इन सारी चीजों को लेकर और वकीलों की भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी लेकर उन्होंने श्रीनगर से संबोधन किया और अपनी बातें जो है वो सामने रखी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दूसरों की सेवा न्याय प्रदान करने की हमारे राष्ट्र की संकल्पबद्धता को दर्शाता है। जी हाँ, हमारा संविधान समानता और मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है और इसीलिए जो नागरिक के मौलिक अधिकार हैं और उनके जो न्याय हैं उनको सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य है। आगे सीजीआई ने कहा कि कई लोगों के लिए एफआईआर दर्ज कराना तक मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, उन्होंने एफआईआर के लेकर भी जो है वो बड़ी बातें कही। साथ ही कहा तो कई बार निरपराध लोगों को न्याय नहीं मिलता, जो जिन्होंने अपराध नहीं किया होता है उनको न्याय नहीं मिलता है। कई बार किसी मामूली अपराध में ही वर्षों तक की सुनवाई जो है वो चलती रहती है, जिससे कि वो जो इंसान है जिसका बहुत छोटा सा अपराध होता है या उतना गंभीर अपराध नहीं होता है उसकी जिंदगी जो है वो अदालत में ही लगभग आधी जिंदगी जो है वो कट जाती है और सजा भी कठोर होती है उसको कई बार। तो हमें इन मुद्दों से निपटना है, ऐसा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। और उन्होंने अपने इस संबोधन में इस प्रॉब्लम्स को सबके सामने रखते हुए क्या क्या कहा, चलिए आपको सुना। For people to trust legal aid, it must be competent and of a desired quality. Currently, more than 50,000 lawyers and 42,000 paralegal volunteers are providing legal aid at various levels across India. These lawyers and paralegal volunteers often serve as a bridge between citizens and legal service institutions. We need to further increase the capabilities of all lawyers and paralegal volunteers, encourage them to unlearn their social biases, and adequately incentivize their efforts to enable them to understand and address the legal problems of people. I would urge the legal service institutions to encourage more women and transgender persons to serve as lawyers and paralegal volunteers. Their presence will help the legal services institutions reaching out to the women and transgender community who are often less trusting of legal institutions and persons associated with it. We must also constantly evaluate and monitor the delivery of legal services to help identify the gaps in the delivery of legal services to people. In this endeavor, ANSA has operationalized under-trial review committees across all districts in India to periodically monitor delivery of legal aid to under-trial prisoners. Through such initiatives, we need to guarantee that no person is left behind in their pursuit of access to justice. Another reason why many